संस्कृत में सनातन कह दो या शाश्वत कह दो, अरबी में इस्लाम कह दो, माना एक ही है। सनातन के माना होते हैं शांति और सलामती से भरा हुआ, इस्लाम के माना भी होते हैं अमन और सलामती वाला, शाश्वत के माना होते हैं आकाश से धरती तक आया हुआ सुरक्षित, जिसका कुछ ना बदला हो, जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आया हो। कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमान से जमीन तक सुरक्षित आई है, और 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी मेरे भाइयों अपनी असली कंडीशन में आज भी मौजूद है और कयामत की सुबह तक रहेगी। दुनिया चीखती रहेगी, लोग 26 आयतें निकालने के जुमले कहते रहेंगे, कोई कुरान को मिटाने की बात करता रहेगा, कोई कुरान को जलाने की बात करता रहेगा, कोई सर फिरा कुरान को लेकर चौराहे बनाकर उसको आग लगाता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुरान की ऐसी सुरक्षा कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको जलाओगे तब भी नहीं जलेगा, मिटाओगे तब भी नहीं मिटेगा, समंदर में बहा दो तब भी नहीं बहेगा। इसलिए कि 9-9 और 10-10 साल के बच्चों के सीने में ये पूरी की पूरी किताब महफूज है। अगर कुरान जला दो और फिर पूछो आए हिंदू भाइयों आओ वेद पढ़ते हुए, कोई वेद का हाफिज नहीं मिलेगा। ईसाइयों से कहो तुम अपनी इंजील दोबारा लेकर आओ, वो अपनी इंजील दोबारा नहीं ला पाएंगे। यहूदियों से कहो तुम अपनी किताब तौरात लाओ, वो अपनी किताब नहीं ला पाएंगे। सिखों से कहो गुरु ग्रंथ लेकर आओ, वो अपना गुरु ग्रंथ लेकर नहीं आ पाएंगे। जैनियों से कहो आओ तुम जैन शास्त्र लेकर, वो जैन शास्त्र लेकर नहीं आ पाएंगे। बुद्धिस्टों से कहो आओ अपना बुद्धिज्म लेकर, वो बुद्धिज्म लेकर नहीं आ पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम अपनी किताब लेके आओ, मुसलमानों का 10 साल का बच्चा बिस्मिल्लाह के बे से शुरू करेगा और मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर लाकर खत्म कर देगा, और 10 साल का बच्चा चीखते हुए कहेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। आए वसीम रिज़वी तू कुत्ते की तरह भौंकता रहे, तेरी आवाज कुत्ते से ज्यादा भौंकने से, कुत्ते के भौंकने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती हमारी नजर में, लेकिन इस कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह है और वही उसकी हिफाजत करेगा और उसने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आप क्या समझते हैं मुसलमान लोग कुरान की हिफाजत कर रहे हैं? मुसलमान लोग कुरान की हिफाजत कर रहे होते तो ये किताब गई अभी तक हमारे हाथ में होती ही नहीं। जैसे इस्लाम की बहुत सी चीजें अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर कुरान मुसलमानों के पास होता तो माफ कीजिएगा, कुरान अभी तक चला गया होता, मिट गया होता। लेकिन कुरान की हिफाजत मुसलमान नहीं कर रहे हैं, कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए उसकी शक्ल कोई नहीं बदल सका। हमारे दरमियान हजारों फिरके हो, बहुत सैकड़ों फिरके हो, चाहे कितनी पार्टियां हो जाएं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो अपनी असली शक्ल में आज भी मौजूद है, उसको कोई नहीं बदलता है और ना बदल सकता है। क्यों? क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। तो मेरे भाइयों यहां से भी एक नजरिया निकालिए, इस्लाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा इस्लाम को छोड़कर जो दूसरा दीन तलाश करेगा, ये वो इस्लाम जो इब्राहिम जो नूह जो मूसा जो ईसा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इस दीन को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे। और हमने अपनी बहुत सी मखलूक पर उनको फजीलत दी है। कितनी मखलूक? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी मखलूक पर हजरत इंसान को फजीलत दी है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को दिया, ये हमें किसने सिखाया? इस्लाम सिखला रहा है, ये कुरान बतला रहा है। जब अल्लाह ने हर इंसान की के इज्जत को बरकरार रखा हो तो हमें किसी को जलील करने की अथॉरिटी और पावर किसने दे दिया? आजकल के ये दो मंत्र के पुजारी बेचारे जो हमारे नबी की शान में बोल देते हैं, अपने बड़े बड़े पंडितों की किताबें पढ़ लें तो आशीष करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जिसने संस्कृत में पीएचडी की हो और जिसने वेदों के ट्रांसलेट किए हो,
और जिनके ट्रांसलेट आज किए हुए मकबूल हो हिंदू धर्म के अंदर भी और पढ़े जा रहे हो, उन्होंने एक किताब लिखी है अंतिम ऋषि नराशंस, और साबित किया है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आजकल की ये दो मंत्रों के पुजारी ये जुमले बोलकर अपने इतने बड़े पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। वो वेद प्रकाश उपाध्याय जिनके ट्रांसलेट गीता प्रेस गोरखपुर में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके तर्जमे गीता के और रामायण के संस्कृत से हिंदी में वो तर्जमे उनके बिकते हो, और ये बेचारा हमारे नबी की वो तो किताब लिख रहे हैं कि मोहम्मद ही नराशंस है, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, वो किताब लिख रहे हो और ये बेचारे कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और वैसे। तो माफ कीजिएगा, मुंह ऊपर करके सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही पड़ेगा। सूरज को कोई गंदा नहीं कर सकता, अपने थूक से उसका चेहरा चेहरे पर थूक नहीं पहुंचा सकता, वो थूक तुम्हारे चेहरे पे आएगा। कुछ गलती हम लोगों की भी है, इतना हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब ऐसा कोई कर दे कि जो लोग चाहते ही हैं कि हमारी शोहरत हो जाए उनको फ्री में शोहरत मिल जाती है। अब क्या जरूरत थी वसीम रिजवी को इतना पॉपुलर करने की, 26 आए थे। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है किसी भी धार्मिक किताब से कोई लाइन निकालने की या बढ़ाने की, सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है। इसने सुप्रीम कोर्ट में ही तो याचिका दी थी कि 26 आयतें निकाली जाए, वाले का खारिज कर दिया जाता, बात खत्म थी, खारिज कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कब से ऐलान कर रहे हैं, जब से उन्होंने कानून बनाया, मनुस्मृति से ये लाइनें निकालो, इसमें हरिजन और शूद्र के साथ कैसा सुलूक किया गया है। लिखा गया कि शूद्र जो है हरिजन ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा है, वो ब्राह्मण के पैर दबाने के लिए पैदा हुए हैं, वो ब्राह्मण की गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुए, ये निकालो, ये इंसानियत का अपमान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कानून बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की बात मानकर भी ये लाइन नहीं निकाल सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी धार्मिक किताब से कुछ निकालने का पावर है ही नहीं, ना बढ़ाने का ना घटाने का, अपने आप याचिका खारिज हो जाती और बेचारा रह जाता ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब उसके ऊपर आया, उसने कुरान की आयतें निकालने की बात करी, अल्लाह ने ऐसा ऐसा इंतजाम कर दिया, उसकी बीवी ही ने उसको निकाल दिया भाग, उसकी औलाद ने उसको निकाल दिया भाग, और उसकी बिरादरी के बड़े मौलाना ने कह दिया अगर ये मर जाए तो इसको हम अपने शिया के कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे और इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। ये लीजिए, ये हाल हो गया है। अब इसको हमारी हमारी फूहड़ भाषा में बोला जाता है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। कभी कभी ये जुमले बोलना पड़ते हैं, माफ कीजिएगा, हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभी। तो धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, अगर ये तौबा ना करे और ये ना करे, हम तो कहते हैं अल्लाह करे कि शमशान घाट में जलाया जाए मरने के बाद। तू जिनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा तेरे साथ भी वही हो। तो मेरे भाइयों, यहां पर हमें सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि हम तो फ्री की शोहरत चाहते थे, हमने उनको और दिलवा दी। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा बरकरार रखा है तो इस्लाम ने बरकरार रखा।